झज्जर की विधायिका और पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही गीता भुक्कल ने गांव-गांव जाकर जनसमर्थन की अपील की। वो जहां भी जाती हैं, लोग उनके दीदार के लिए इकट्ठा होते हैं। आज जब वो गुड़ा गांव पहुंची, तो वहां पर महिलाओं और बुजुर्गों ने उन्हें आशीर्वाद देकर फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। यहां की बहू एडवोकेट नेहरा ने भी गीता भुक्कल को अपनी बड़ी बहन बताते हुए उनके पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है, मैं इनके साथ ही रहती हूं और पूरे हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया लगभग तय है। भी मुद्दे हैं, उनको बड़ी मजबूती के साथ उठाती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस टाइम जो रणनीति बन रही है बीजेपी वालों की, इनके किसी छल कपट और बहकावे में ना आए, अपने विवेक सद्बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट हमारी बड़ी बहन के हाथ के वोट बटन पे दबा के डाले। ये जो बीजेपी सरकार है, इसके झूठे तमाशे हैं और फीके तमाशे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नारों की सरकार है और इसके सिवा भाईचारा बिगाड़ने के अलावा 5 सालों में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। मैं यहाँ से जिला झज्जर की जिलाध्यक्ष होने के कारण बहन के साथ दिन रात घूमते हमने देखा है कि कांग्रेस की हवा पूरे जोरों पे चल रही है। कल भी मात्र ज्यादा से ज्यादा वोटों से विजय बनाएंगे, तो मैं अपने इस गांव की बहू होने के नाते अपना अधिकार मान लो या कुछ भी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटों से अपील आए। वहीं जब माइक कांग्रेस की विधायिका गीता भुक्कल के हाथ में आया, तो उन्होंने वही पुराने अंदाज में विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता या मुख्यमंत्री आए, तो एक बार जरूर पूछना कि उन्होंने कौन कौन से ऐसे वादे हैं जो पूरे किए हैं, या विकास के कोई 5 काम तो गिना दें। अगर 5 भी नहीं गिना सकते तो 2 काम गिना दें। अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की 3री बार मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा लहर चल रही है। मैंने कैबिनेट मंत्री रहते हुए हरियाणा में विकास के कार्य कराए और अपने हल्के को भी विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने समय समय पर जो भी मुद्दे होते हैं वो विधानसभा में उठाए और सत्ता पक्ष को वो काम करने के लिए मजबूर भी किया। वहाँ पर सभी बुजुर्गों और माताओं से सर झुकाकर गीता भुक्कल ने आशीर्वाद लिया और सभी ने उनके सर पर हाथ रख के उन्हें समर्थन के लिए पूरा आश्वासन भी दिया। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहे सभी वरिष्ठ हमारे साथीगण, सूरजभान जी पूर्व चेयरमैन, हमारे सरपंच, हमारे टेक्नोलॉजी राम देव रणवीर देसवाल जी भाई, हमारे नीटू जी, और इसमें हमारे साथ चल रहे राज्यपाल एडवोकेट जी, हमारी माया नेहरा जी जो कि हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, भाई सुनील जी, और हमारे गांव गुड़ा के सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं हमारे भाई विधाना से सत्य जी, और सभी साथीगण जो इस समय चल रहे हैं। हम लोग सबसे पहले तो गांव गुड़ा में पहुंचने पर जो आपने स्वागत अभिनंदन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कांग्रेस की पूरी टीम लगे हुए हैं आप सबके आशीर्वाद से। 4थी बार कांग्रेस पार्टी के विधानसभा का टिकट मुझे मिला है और आज गांव में गुड्ढा में आकर मैं आपसे वोटों की अपील करने के लिए आई हूं। आपने पहले अपना पूरा आशीर्वाद वोट की ताकत से जिताकर विधानसभा में भेजा, एक मंत्री के रूप में सेवा करने का प्रयास किया, एक विपक्ष की विधायक के रूप में आवाज उठाने का काम किया, और हमारा जो विकास का पहिया तेजी से घूमा था जब आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे मुख्यमंत्री थे, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से सांसद के रूप में बहुत सेवा संघर्ष पूरा समर्पण करके यहाँ के विकास के कार्य करवाने का काम किया। चाहे अगर मैं गुड़ा के जिक्र करूँ, चाहे पूरे झज्जर विधानसभा की का जिक्र करूँ, तो विकास का पहिया तेजी से घूम रहा था और आज भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार बनी है जिसने हमारे विधानसभा के साथ अनदेखी करने का काम किया है। कितनी बार बीजेपी के नेता यहाँ पर आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन हम उनसे जरूर पूछे, और आपके बीच में बीजेपी के प्रत्याशी आएंगे, आप उनसे भी पूछना कि आपने क्या काम करवाया है, ऐसा क्या काम करवा दिया कि हम आपको वोट देने का काम करें। हमने हमारे समय में एक मॉडल आईटीआई गुड्डा में बनाई, साइंस ब्लॉक, कॉमर्स ब्लॉक, और उसमें 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाया, एक हमने प्रारंभ इंस्टीट्यूट बनाया, एक हमने डाइट बनाई, एक हमने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, एक कॉलेज हमने मातनेल में बनाया, एक कॉलेज हमने लड़कियों का बहू में बनाया, एक कॉलेज हमने विरोड में बनाया, एक आईटीआई मातनेल में बनाई, एक मॉडल आईटीआई सालाबास में बनाई,
इसके अलावा सभी जगह 322 करोड़ की लागत से शहर और 17 गांव में पीने के पानी की जो समाधान के लिए उस पर काम करने का पूरा प्रयास किया और सुंदर सुंदर पार्कों का निर्माण किया। हम जब गांव गुड्डा से जाते हैं तो मेरा गांव मेरी बगिया के नाम से इतना सुंदर पार्क यहाँ पर था। जैसे ही हमारी सरकार गई पेड़ पौधे भी सूखने लगे, इन्होंने उसको पानी तक देने का काम नहीं किया। बड़े बड़े वायदे करते बड़ी बड़ी बातें हैं तो वो बताएं कि हमारे लिए किया क्या है। सिवाय और सिवाय बीजेपी ने भाईचारा खराब करने के कोई ऐसा काम नहीं किया जो उन्होंने करने का काम किया हो। आज समय बदलाव का है, आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे क्षेत्र के साथ और हरियाणा में जो अन्याय किया है, चाहे वो कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, वो भी सारी की सारी जो है इस बात से दुखी हैं। 3 दिन पहले आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे लड़ायन, हमें उम्मीद भी है, लेकिन हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए और सरकार अपनी चाल में कामयाब हो गई। अब ये हमें बताएं यहाँ के सांसद ने या सरकार ने किया क्या आपके लिए, 5 साल में एक भी काम किया हो? और आपने अगर हमारा घोषणा पत्र देखा होगा, सभी के हाथों में घोषणा पत्र है। जिस दिन से पहले भी चहुमुखी विकास किया, रेलवे लाइन लाए, मेट्रो लाए, एम्स लाए और आगे भी करेंगे, तो चाहे गुड्डा का 4 लेन है या और भी इस तरह के काम है, हमारी कांग्रेस की सरकार बनते ही हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है। पहली कलम से जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब सरकारें बनी थी, सरकार बनने के साथ ही पहली कलम से किसान का कर्जा माफ करने का काम किया था। पहली कलम से हरियाणा में किसान का, मजदूर का, भूमिहीन का कर्जा माफ, धक्के से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा जो है आपके खातों में से काटने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनेगी, ये पैसा हम लोग आपके खाते से ना काट के सरकार अपनी ओर से इस किश्त का भुगतान करने का काम करेगी। हमारी सरकार के समय में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात थी, बहुत रोजगार हमने दिया भी। बीजेपी की सरकार कह रही है कि हमने कभी कहते हैं 60,000 लगा दिए, कभी कहते हैं 50,000 लगा दिए। अगर लगा दिए, आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगी है, जितने युवाओं को नौकरी दी है उससे ज्यादा युवाओं को तो इन्होंने नोटबंदी के दौरान और आर्थिक मंदी के दौर में और 50,000 से ऊपर जो कच्चे और अडॉप के कर्मचारी लगे थे, एक कलम से इन्होंने उनको निकालने का काम किया। वो तो कोर्ट में मामला लंबित है, सबके रोजी रोटी बंद करके इन्होंने उनको घर बिठाने का काम किया। हमारी सरकार बनेगी, एक घर में एक रोजगार को हम सुनिश्चित करेंगे। और जो अगर जब तक हम रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक एक ग्रेजुएट को बीए को रोजगारी भत्ता देंगे और जो हमारे एमए पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको हम 10,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का, जब तक उनको रोजगार नहीं दे देते तब तक हम उसको देने का काम करेंगे। और इनकी सरकार बीजेपी ने कहते हैं जी इनके यहाँ पर्ची खर्ची चलती है, अगर हमारे यहाँ ऐसा ही सिस्टम होता तो जो वत्स मिस्टर वत्स हैं, जो हमारे एचपीएससी के चेयरमैन थे, अगर वो इतने धुले नहीं होते तो बीजेपी उनको राज्यसभा में क्यों भेजती? जो व्यक्ति हमारे साथ वो करप्ट भ्रष्ट, जब बीजेपी में उसको ले जाते हैं तो उसका शुद्धिकरण हो जाता है। ये कैसा मापदंड है उनका? हमें ये सोचना होगा कि ये इन्होंने भाईचारे के साथ साथ सारी पार्टियां, आज बीजेपी के प्रत्याशी जो यहाँ से थे वो रो रहे हैं, क्या जो बीजेपी के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के? क्या उन्होंने यहाँ पर काम करवाए हैं? क्या 5 साल तक जब वो यहाँ पर थे कभी गांव गुड्डा में आए तो जब रुपए आपकी गाड़ी कमाई का पैसा रोज के हिसाब से फूल बरसाकर चले गए? आप उनसे पूछना कि आपने हमारे झज्जर के लिए क्या काम किया है, कोई आवाज उठाई है, कोई काम किया है? 5 साल के हिसाब से एक काम पूछना कि 5 साल में 5 काम गिनवाए, 5 नहीं तो 2 गिनवाए, 2 नहीं तो 1 गिनवाए। अगर आपके लिए उन्होंने 5 साल में जब एक भी काम नहीं किया तो क्या 75 पर गांव की गुड्डा की गलियों और सड़कों से पार करने का काम करना? क्योंकि इनको आप लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, आप लोगों से कोई लगाव नहीं है। सीएम विंडो अच्छी बात है, आप खोलें, समस्याएं सुने, लेकिन समाधान तो नहीं होता। लोकतंत्र में लोगों की सरकार होती, मिलना ही नहीं चाहते। लोग इनको पसंद नहीं है, इनको लगता है मोदी जी आएंगे उनके नाम की हवा चलेगी और वोट पड़ जाएंगे। इस समय कोई लहर नहीं है, अगर इस समय कोई कंपटीशन है मनोहरलाल खट्टर जी के बीच में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आपके बीच में, आपको 21 तारीख को चुनाव करना होगा, आपको सोचना होगा। आपकी ताकत दोबारा से यहाँ पर चौधर लेकर आएगी, आपकी वोट की ताकत दोबारा से जो है यहाँ पर विकास का पहिया तेजी से घुमाने का काम करेगी। आपकी ताकत से वोट की
ताकत से जो आने वाला 21 तारीख का हमारा चुनाव है, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। आपने हमेशा अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया है, आगे भी मैं उम्मीद करूंगी आने वाली 21 तारीख को। एक एक हाथ के वोट का निशान जो है मशीन में पहले नंबर का बटन है, पहले नंबर का हाथ का निशान का बटन दबाकर आप अपनी इस बहन को, अपनी बेटी को कामयाब करें। और अगर यहाँ से अच्छे भारी मतों से झज्जर से जिताकर भेजते हैं, तीसरी बार आपके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो हमारे विकास के लंबित कार्य हैं उनको हम पूरा करने का काम करेंगे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूती मिलेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गांव गुड्डा में पहुंचने पर मेरे सभी सम्मानित साथियों ने, जो बुजुर्गों, माताओं, बहनों ने जो स्वागत किया है, मैं बहनों के लिए विशेष तौर से जो नई बसों का बेड़ा आएगा, हमारी माताओं के लिए अलग रंग की बसें होंगी और माताओं बहनों का बसों में मुफ्त किराया, किसी प्रकार की कोई भी उनसे टिकट नहीं ली जाएगी, मुफ्त में बस यात्रा होगी। 300 तक की यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। 2000 रुपया माताओं बहनों को रसोई खर्चे के नाम से देने का काम करेंगे। 33% नौकरियां माता बहनों को देने का काम करेंगे और 75% युवाओं को हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में उनको नौकरी देने का काम करेंगे। हम बीजेपी की तरह नहीं है कि 80 SDO लगाए और 80 में से 78 बाहर के लगाए। हमारी सरकार होती दो तो हम गांव गुड्डा के ही लगा देते। और आज मैं आपसे यही अनुरोध करने के लिए आई हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपसे ये उम्मीद करती हूँ। हमने हरियाणा का चहुमुखी विकास करवाया है, आगे भी विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। 1 इंच इन्होंने रेलवे लाइन भी बढ़ाई है। उसके बाद बारी मीडिया को संबोधन की आई तो उन्होंने वही अपने पुराने अंदाज और तल्ख तेवर में कहा कि मैं हर बार पूछती हूँ कि हरियाणा की यशस्वी मुख्यमंत्री कई बार झज्जर का दौरा कर चुके हैं, वो एक बार तो बताएं कि उन्होंने झज्जर के विकास के लिए क्या काम किए हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा, आप जब भी उन्हें कवरेज करने जाएं तो एक बार जरूर पूछना कि उन्होंने हरियाणा में क्या क्या कार्य किए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं पर कटाक्ष किया और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया है, अब की बार हरियाणा वासियों ने मन बना लिया है कि अब की बार सिर्फ हुड्डा की सरकार बनेगी और हरियाणा विकास की पथ पर अग्रसर होगा। मैंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे मैं जिला महिला अध्यक्ष होने के कारण मैडम के साथ जगह जगह घूम रही हूँ। कल माफ्तानी मदनपुर जाकर चबूतरा सब पे मैडम कोर्ट में आई थी, मैं फिर से वकील होने के कारण कोर्ट में भी मैडम वकील साथी हमारी कल ही गए मैडम, वहाँ पे भी वोटों की अपील करने आई थी। मैंने मैडम के साथ घूम फिर के हर जगह देखा कि बिल्कुल सबने अपना मन और बिल्कुल मूड बिल्कुल सेट कर लिया है कि गीता भुक्कल मैडम जी को ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है। तब की बात मार्जिन पिछले बार के मार्जिन से भी कुछ ज़्यादा ही दीपेंद्र हुड्डा आए थे, काफ़ी भीड़ थी, उससे क्या लगता है कांग्रेस पार्टी में कितना मार्जिन है? वो तो आप सबने भी देखा था कितनी भीड़ देखते हुए कि कोई पार्टी है ही नहीं टक्कर में, एक तरफा ही माहौल चल रहा है बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट रहा ही नहीं, अब सबने अपना बिल्कुल एक तरफा है। झज्जर से सिकंदर के साथ रमाकांत की रिपोर्ट, हर न्यूज 24।